मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में फिर आपका क्या व्यू बन रहा है कि यहाँ पर भी तेजी आ चुकी है, निकलने का वक्त है या फिर एंट्री लेना चाहिए? कौन कौन से सेक्टर और स्पेस हैं स्पेस में जो आपको अच्छे लग रहे हैं? हम अभी फोकस ज्यादा लार्ज कैप्स पे ही करेंगे क्योंकि अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, और जो मिड कैप्स हमने 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के व्यू पे लिए हैं उनको ऐसे एक एक महीने के मार्केट व्यू पे पोजीशंस पर नहीं डिस्टर्ब कर सकते। पर अब देखिए, जैसे कि अब ऑटो एंसिलरीज अब काफी अच्छी रोबस्ट ग्रोथ आ गई, 40% ग्रोथ आ गई और हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा टर्नओवर का रिपोर्टिंग आ गया। पिछले 2.5-3 महीने से मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि मुझे ऑटो एंसिलरीज बेचना ही नहीं है, हर करेक्शन में लेना है। अब हमारा स्टांस वहां स्विच हो गया कि ऑलरेडी बहुत बढ़ गए हैं ये, सबकी चार्ट्स ओवरबॉट है, यहाँ से बेचने की कोई जल्दी नहीं, पर हमें 100 रुपए का नया ऑटो एंसिलरीज नहीं लेना है। न्यूज पढ़ के जिन्हें पार्टिसिपेट करना है, जब वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और हमारी चार्ट बोलेगी बेच दो, तो हमने नीचे से अगर बॉस्ट में 30-35% का इजाफा देख लिया, 50% MRF में मिल गया तो 40%, तो अब हम उनको 10-12-15% और जो भी मिलेंगे वो लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग नजरिया है, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अब बाजार है, सेक्टोरली भी वो चल नहीं रहे हैं। तो सीमेंट, IT और फार्मा अगर पुलबैक्स में हमें लेना ही है, शॉर्ट करेंगे नहीं हम, और अगर करेंगे हम शॉर्ट तो सिर्फ बैंक, लार्ज बैंक्स और ऑटो को ही करेंगे। और देखिए, बहुत बड़ी अनिश्चितता का कारण ये भी है कि 108-8.5 के स्तर पे वापस अगर डॉलर इंडेक्स आ गई है लौट के, और पिछली बार जो टॉप बना था वो लगा था कि ये लॉन्ग टर्म टॉप बन गया और बहुत बड़ी करेक्शन अगले 2 साल की चलेगी, तो पैटर्न थोड़ा सा बदला है। हो सकता है अगर यहाँ से भी ये ब्रेकआउट दे दे और डॉलर पूरे विश्व में तबाही मचा दे और यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी के निकल जाए, तो वैसी ही अनिश्चितता है। तो हर समय और हर मौसम बड़े दांव लगाने का नहीं होता है, मुझे लगता है बचने के लिए ज्यादा जरूरी है, अभी बचने का समय है, बड़े दांव लगाने का टाइम बाद में आएगा। ठीक है सुशील जी।